छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला कैसे हुआ? कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा को मारने से पहले नक्सलियों ने उनसे क्या पूछा? हमलावर कितनी संख्या में थे? अचानक कैसे गोलियों की बौछार होने लगी और चीख पुकार मच गई? हम आपको सुनाते हैं हमले की पूरी कहानी एक चश्मदीद की जुबानी। परिवर्तन यात्रा से हम सुकमा का निपटा के भोजन करके 3:30 बजे सुकमा से निकले हम लोग। करीब 4:30 बजे 4:15 बजे के बीच में दरभा घाटी पड़ती है जो बहुत सेंसिटिव है, वहाँ जैसे ही हम लोगों का काफिला पहुंचा, करीब 35-40 गाड़ियों का काफिला था। माननीय अध्यक्ष जी आगे चल रहे थे, उसके पीछे 2 गाड़ी आगे चल रही थी, तो पहले जैसे 2 गाड़ी क्रॉस हुई तो उसको ब्लास्ट हम लोग उड़ा दिए। उसके बाद एम्बुस लगा के बैठे थे, दोनों तरफ इतनी फायरिंग ताबड़तोड़ की हम लोग, और ढूंढ के अध्यक्ष जी ने माननीय नंद कुमार पटेल जी ने सरेंडर कर दिया था, उनको अंदर ले गए और उनके साथ में कवासी लखमा MLA थे वहाँ सुकमा के, वो उसको छोड़ दिए और उनके उनके बेटे को अंदर ले गए, उतना हम देख पाए। उसके बाद जब इतनी फायरिंग शुरू हो गई तो हमको गोली लगी, गाड़ी हमारे साथ 3 साथी जो बैठे थे तीनों मारे गए ऑन स्पॉट वहीं पर। तो हम तुरंत नीचे आके लेट गए थे, हमारे जस्ट बगल में महेंद्र कर्मा आके लेट गया, वो उनकी गाड़ी बगल में खड़ी थी, और फूलो देवी नेता MLA XML आके साथ वो लेटी हुई थी तीनों। करीब लोग गाड़ी लगातार फायरिंग, मतलब इस तरह से फायरिंग कर रहे थे जैसे मतलब कोई सेना मतलब युद्ध लड़ने आती दूसरे देश से। तो कोई बचने की उम्मीद किसी की नहीं थी, गाली बकते हुए माओवादी जिंदा नारे लगाते हुए इस तरह कर रहे थे, बोले केंद्र सरकार की सेना हटाओ यहाँ से, नहीं साले साहब मारे जाओगे करके। और हमको लगा कि जब 1 घंटे से लगातार फायरिंग चल रही, कोई पुलिस नहीं आई है, मतलब मारे जाना तय है करके। और महेंद्र कर्मा को मेन टारगेट बना कर रखा ऐसा मुझे लगा वहाँ पर, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष थे, उनका कुछ रहा होगा जो भी है। तो जस्ट बगल में मेरे महेंद्र कर्मा जी लेटे थे जो ऐसा, और उसके पहले वो दो, तो हम मैं समझा कि एक एक गाड़ी चेक करते थे जो थोड़ा वो साथ साथ उसको मारते आते थे उन लोग लगातार। तो जब देखा 2 गाड़ी पहले तक पहुँच गई थे, उन लोग पूरे 100 लोग जो नक्सली थे, हम लोग खड़े हो गए, सरेंडर कर दिए। सरेंडर करके महेंद्र कर्मा ने बोला कि मत मारो यार मत मारो, बोले हम लोग सरेंडर कर दिए। तो बोले सीधा चले आओ हाथ पीठ पे सिर में पीछे करके। इस तरह से हम लोगों ने अपने तीनों चारों लोग पहले गए, तो जो बाकी जो गाड़ी छुपे थे जो घायल थे जिनको गोली लगी, सब पीछे पीछे हमारे जो भर्ती है ये सब हमारे पीछे जंगल की ओर बढ़े, उन लोग जंगल की ओर ले गए करीब रोड से 200 मीटर अंदर में। और हम लोगों को बोले कि पेट के बल में लेट जाओ, सिर नीचे कर लो करके, सबको लिटा दिए। महेंद्र कर्मा बोले आप इधर आइए करके, उसको आगे बढ़ाए और सीधा उनको गोली मार दी। हाँ जान गए थे वहाँ पर, जब अंदर पहुंचे तब जाने हो, अंदर जब पहुंचे जंगल में तो कोई पहचान गया होगा। नहीं बोले महेंद्र कर्मा कौन है, बोले तो ये है करके, बोले हाँ, तो बोले ये मैं हूँ करके, खुद बोला उन्होंने मैं हूँ करके। तो बोले तो हाथ भी जोड़े, बोले मेरे को, बोले नहीं कुछ नहीं, बोले बहुत पिछले बार बच गया, बोले इस बार तरह कोई माँ बचा, ये नक्सली बोला पिछले बार लास्ट टाइम तो बच गया था, इस बार बचने कोई तरह चांस नहीं करके, सीधा गोली मारे। और मैं सुन रहा था, मैं थोड़ा सा मुंडी करके ऐसा ऊपर देख रहा था, उसके बाद इन लोग जब गोली मारे सीधा नीचे सीधा गिरे, ऐसा जब गिरे उसके बाद मेरे को बोले सब नीचे देखते रहो करके। तो हम लोग स्वामी लगा कि जब इसको मार दिया हम लोग को मारेंगे करके। तो मैं चूंकि मेरा ब्लड बहुत निकल रहा था, तो मैं थोड़ा सा उठ के मतलब पानी दीजिए एक बूंद चाहिए करके, तो एक लेडीज़ जो थी उनकी नक्सली मतलब 20-22 साल के थे सब लोग, मैक्सिमम 25 ईयर था, तो लाया गया मेरे को पानी, थोड़ा सा एक बूंद दी मेरे को मुंह में डाली मेरे। मैं बता अपना परिचय दिया, मैं डॉक्टर हूँ, MD हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, हम लोग मैं सामाजिक सेवा भी करता हूँ और बस्तर में भी सेवा कर चुका हूँ मैं, हम लोग क्या निर्दोष लोग गलती जिसमें आप हम लोग मार रहे हो करके। तो बोले जो हम लोग बोल रहे थे हाथ ऊपर करो करके, तो ऊपर क्यों नहीं किए तुम लोग करके, हम समझ नहीं पाए उनकी भाषा को, ऐसा उनका कहना है, तो सुन रहे डर के मारे सब। तो बोले ठीक है, बोले लेटे रहो अभी करके। फिर मेरे एक लेडीज वहाँ से उनकी नक्सली जो लड़की थी वो ला के मेरे को एक इंजेक्शन लगाई, ब्लड बहुत निकल रहा था मेरे, तो मेरे डॉक्टर साहब को इंजेक्शन लगा दो, उनके नक्सली कमांडर ने बोला उनका, और ब्लड निकल रहा था तो मेरे शर्ट में पूरा ब्लड था, पैंट में ब्लड, तो मैंने शर्ट को ही उतार के उसने इधर और इधर दोनों तरफ से बांधा ब्लड में निकल करके। उसके बाद पानी ला के बाट पानी दी, जो पानी दिया उन्हें हिमालय का पानी जो कि एयरपोर्ट में 150 रुपए का बॉटल मिलता है, वो पानी ला के उसने दिया। सब लोग पानी मांगने लगे जितने लोग थे, इस मतलब आप ये कह रहे हैं सिर्फ महेंद्र कर्मा टारगेट, नहीं महेंद्र टारगेट नहीं था, पूरी यात्रा टारगेट थी, परिवर्तन यात्रा। पर मैं चूंकि सबको मारे ना, तो लोग 27 लोग मारे गए उसमें, महेंद्र कर्मा जी मारे गए, नहीं ऐसा नहीं, ना ही सब गाड़ियों में एक साथ गोली चला रहे थे पीछे, नहीं दिनेश पटेल उनके लड़के उनको भी ले गए साथ में अंदर में, और दोनों को ऑन स्पॉट दो दो गोली दोनों को मारे वहीं ऊपर ले आकर। हाँ गाड़ी से उन्होंने सरेंडर कर दिया, ऐसी गाड़ी समझ के बचने तो है नहीं। तो कवासी लखमा चिल्लाए, बोले मैं कवासी लखमा हूँ MLA सुकमा, और मुझे हम लोग बैठे मत मारो करे, तो उतर गए लोग, तो अंदर तरफ ले गए, कवासी लखमा को छोड़ दिए, इन लोग गोली मार दिए। अच्छा, तो वहीं पर वहीं पर घटना है, ऊपर तरफ ले गया 200-300 फीट ऊपर में, हम लोगों को 200 फीट अंदर नीचे तरफ ले गया। मैं समझ नहीं पाया तो कारण क्या है, पर मुझे इतना जल लगा कि जितना सेंसिटिव एरिया था, जाते समय जब हम लोग निकले यात्रा के लिए वहाँ से जगदलपुर सुकमा के लिए, हर जगह सर्चिंग पार्टी थी, लेकिन आते समय कहीं कोई सर्चिंग पार्टी तोगावाल के पास कहीं नहीं दिखी हमको, यदि वो रहती थी घटना नहीं घटती।
और आगे जब गाड़ी उड़ी ये उड़ी मतलब ऐसा कि किसी प्रकार कोई सुरक्षा हम लोगों को राज्य सरकार की अंदाजा कितने लोग कितने नक्सली हम तो केवल 70-80 लोगों को देखे जो हमारे पास वहां पर आए थे, पर अलग अलग उन्होंने चारों तरफ इन लोग पहले चिल्लाते हुए निकले अपने जब 7:30 बजे अंधेरा होने लगा ना तब इन लोग जंगल की ओर बढ़े हम लोगों को नीचे मुंडी गिरा के हाँ माओवादी जिंदाबाद कर रहे थे माओवादी जिंदाबाद और किसी कोई मांग जैसे कि नहीं ऐसा कुछ मांग नहीं की उन लोगों।